हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस फाइटर एयरक्राफ्ट को हम कैसे बनाते हैं। ये यूएस एयरफोर्स का F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसमें एक सेंट्रल बल्ज होता है इस तरह से, और इसके टेल विंग्स जो हैं इस तरह से फोल्डेड रहते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक रेक्टेंगुलर शीट की। यहाँ मैंने A4 शीट लिया हुआ है। इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो आप भी उस लिंक को यूज़ करके अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे पहले इस शीट को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब इस हाफ को सेंटर लाइन से मिलाएंगे इस तरह से। ध्यान रखिएगा कि जो भी क्रीज आप बना रहे हैं बहुत अच्छे से नाखूनों की मदद से आप ऐसे धकेलते हुए इसको बनाएं, ताकि वो क्रीज बहुत अच्छी बने, ताकि बाद में जाके दिक्कत ना आए फोल्ड करने में। अब दूसरी तरफ से भी हम ऐसे ही बनाएंगे। अब एक बार फिर से इस एज को सेंटर से मिलाएंगे, पर इस बार ध्यान ये देना है कि जब आप नाखूनों से इसको ऐसा दबाएं तो पूरा नीचे तक नहीं दबाना है इसको, क्रीज को वहीं तक बनाना है जहां तक कि ये लाइन है, इस तरह से। उसी तरह इधर से भी करना है। अब इस पॉइंट को हमें कागज के बॉटम पॉइंट से मिलाना है इस तरह से। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। अब ये जो एज है कागज का, इसी के जस्ट नीचे हमें एक क्रीज बनाना है इस तरह से। अब ये जो क्रीज हमने बनाई थी इसी के अलॉन्ग इस तरह से इसको फोल्ड करना है, पर जैसे ही आप फोल्ड करेंगे देखेंगे ये हिस्सा ऊपर को चला गया। तो क्या करना है कि हमें इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाना है एक लाइन में। इस तरह से। उसी तरह इस क्रीज के अलॉन्ग आपको इस तरह से फोल्ड करना है। अब वापस ये ऊपर चला गया, तो हमें इस कॉर्नर को इससे मिलाना है एक लाइन में। अब ये जो अंदर के फ्लैप्स हैं इनको आप बाहर निकाल लीजिए। ये फ्लैप्स ही हमारे सेंट्रल बल्ज बनेंगे फाइटर एयरक्राफ्ट के। इनको इस तरह से कर लीजिए। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। इस वाले हिस्से को इधर से ऐसे फोल्ड कर लीजिए। अब कागज के इस एज को हमें अंदर की तरफ मोड़ना है, पर उसके लिए पहले हमें एक क्रीज बनानी पड़ेगी, और उस क्रीज को बनाने के लिए हम पीछे से पहले बाहर की तरफ मोड़ेंगे। अब इसे अंदर की तरफ मोड़ दीजिए। इसी तरह इधर से भी करना है हमें। पहले बाहर की तरफ फोल्ड करके एक क्रीज हम बनाएंगे, और उस क्रीज के हेल्प से उसे अंदर की तरफ मोड़ेंगे। कागज के इस हिस्से को हमें इस तरह से फोल्ड करना है अंदर की तरफ।
उसी तरह भी इस कॉर्नर को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अब इन दोनों को आपस में इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। अब हमें यहाँ पे एक कैंची लेनी है और उससे हमें यहाँ से 1 इंच की दूरी पे करीब एक ऐसे ऐसे कट कर दीजिए आप, और एक ऐसे ट्रायंगुलर कट यहाँ से करके आप कागज को निकाल सकते हैं यहाँ से। अब हमें इस हिस्से को लेकर के इस एज से मिलाना है। ध्यान रखिएगा कि ये सेंट्रल बल्ज जो बनने जा रहा है इसको आपको नहीं फोल्ड करना है, सिर्फ बाहर के विंग को। इसी तरह आप इधर से करना है। अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ये वो सेंट्रल बल्ज बन गया। अब इसके टेल को आप इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। जब आप इसे उड़ाएंगे तो देखेंगे कभी कभी ये नीचे को डाइव कर रहा है, उसको रोकने के लिए आप यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। उसी तरह इस तरफ से भी इसको हल्का सा ऐसे ऊपर की तरफ मोड़ दीजिए। अब ये बन गया देखेंगे, लेकिन इसमें एक आखिरी चीज़ है कि ये इस तरह से भी खुल रहा है, इसको रोकने के लिए आप एक फ्लैप को दूसरे के ऊपर इस तरह से चढ़ा के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद क्रीज एक बार फिर से आप इसको ठीक कर दीजिए, अब ये नहीं खुलेगा। ये बन गया आपका F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।